सीवरेज जाम, नालियां जाम, सड़कें जाम, एक दिन बारिश और जयपुर जाम। कहीं सड़क धस गई तो कहीं मकान ढह गए, कोई नाले में फंसा तो कहीं बेसमेंट में हादसा। आफत की बारिश या खुली प्रशासन की पोल, देखिए जयपुर में कैसे बारिश बन गई आफत। साल भर बारिश का इंतजार, गर्मी से राहत, उमस से पीछा छुड़ाने के लिए बारिश का इंतजार, किसानों को बारिश का इंतजार, पर ये क्या साहब बारिश आते ही आफत बन गई। कलेक्टर जगह जगह जाकर निरीक्षण करते रहे, पर तुरंत हालात कैसे सुधरेंगे ये तो पहले से सजग रहने की स्थिति थी। कहते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी काम के लिए समय चाहिए, पर वो समय तो जिम्मेदार साल भर हवा में उड़ा देते हैं। उसी का नतीजा जयपुर में दिख रहा है। बता दें कि जयपुर में बारिश का दौर जारी है। कल पूरे दिन बारिश की झड़ी लगी रही, इसके बाद रात भर बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि भारी बारिश के कारण जयपुर में 4 जनों की मौत हो गई है। इस बीच आज सुबह भी रेस्क्यू टीम को दौड़ लगानी पड़ी। सुबह करीब 7 बजे कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली कि चांदी के टकसाल में एक जर्जर घर है, उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनकी जान खतरे में है। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम दौड़ी और मौके पर पहुंची, इसके बाद मकान में घुस गई, जहां पर टीम को कोई भी व्यक्ति ना मिला। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। जयपुर में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए देर रात तक कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित दौड़ते भागते नजर आए। कलेक्टर के साथ एडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी साथ रहे। रात में कलेक्टर सीसी रोड, मालवीय नगर, अन्य स्थानों पर पहुंचे। यहां पर जल भराव की समस्या को कलेक्टर ने देखा। कलेक्टर ने मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था तत्काल करने के लिए कहा। जयपुर में आज भी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिए। कलेक्टर के आदेश रात को सामने आए थे, जिसके चलते आज सुबह सुबह कई परिजन अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें मालूम चला कि स्कूल ही बंद है। राजधानी जयपुर में बारिश को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा 2 कंट्रोल रूम JDA के हैं। कुल मिलाकर 6 कंट्रोल रूम हैं। इसके अलावा एक अन्य जिला कलेक्ट्रेट का नंबर है, जो भी कंट्रोल रूम की तरह ही काम करता है। यहाँ भी लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। जयपुर में कल दिन में 200 से ज्यादा शिकायतें कंट्रोल रूम को मिली। इसके अलावा आज रात भी 100 से ज्यादा शिकायतें कंट्रोल रूम को मिली हैं। रात भर बारिश होने के कारण कई स्थानों पर जल भराव हो गया। ऐसे में आधा दर्जन स्थानों पर वाटर पंपों की सहायता से पानी निकाला गया। एक दो दिन की बारिश में अगर ये राजधानी का हाल है, तो सोचिए अगर सप्ताह भर लगातार बारिश हो जाए तो क्या होगा। जरूरत है ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की, बंद पड़े नाले नालियों को सही करने की और उच्च गुणवत्ता की सड़कें बनाने की, क्योंकि अगर ऐसे गंभीर मसलों पर लापरवाही बढ़ती गई तो ये जानलेवा हो सकता है। उम्मीद करते हैं प्रशासन की नींद टूटेगी और जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।